हमारे देश में बात करें तो चूहे मारने को लेकर आमतौर पर बहुत सारी दवाइयां जो हैं मिलती हैं, पर आपको बता दूं कि अब चूहे को मारने को लेकर हमारे देश में एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, और जिस व्यक्ति ने चूहे को मारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और उसके ऊपर जो है 30 पेजेस का चार्जशीट जो है वो भी दाखिल किया गया है, और चूहे का पोस्टमार्टम भी करवाया गया है। आखिर पूरा मामला क्या था वो आपको बताऊंगी, और चूहे को मारने की पूरी दास्तान जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चित में है, क्योंकि देश में ऐसा मामला है और बताया जा रहा है कि इसकी कार्रवाई, मुकदमा की बात करें तो हालांकि ये मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है, पर हर किसी की निगाहें इस वक्त इसी मुकदमे पर है कि जब इस चूहे को इंसाफ जो है वो मिल पाएगा। सबसे पहले तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगी, और बताया जा रहा है 24 नवंबर 2022 का ये वाक्या बताया जा रहा है, जब उत्तर प्रदेश के बदायूं इलाके में एक शख्स ने जो है चूहेदानी से एक जिंदा चूहा निकाला है, और इसके बाद उस चूहे की पूंछ को प्लास्टिक की डोरी से एक वजनी पत्थर के साथ बांध कर नाले में डुबोता निकालता रहता है। और इत्तेफाक से क्या होता है कि जब ये व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा था, और वहीं से एक पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा की बात करें तो वो वहां से गुजर रहे थे, और चूहे के साथ इस क्रूरता को देखकर उन्होंने उस शख्स को रोकने की कोशिश भी की, पर फिर बड़ी मुश्किल से उसे चुंगल से चूहे को तो छुड़ाया, लेकिन अफसोस तब तक चूहे की मृत्यु जो है वो हो चुकी थी। और इसी चीज को देखकर विकेंद्र ने जब उस शख्स से बात करनी चाहिए तो वो बिल्कुल भी जो है सहमति नहीं दिखा रहा था, और उसने कहा कि हम पहले भी ऐसा करते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और ये सुनकर विकेंद्र शर्मा काफी ज्यादा जो है मायूस हो गए, और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगे और इस पर जो है रिपोर्ट जो है दर्ज कराएंगे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि विकेंद्र जब पुलिस वालों से मुकदमा जो है उन्होंने चूहे के साथ हुई करतूतता जब पुलिस स्टेशन पहुंचे, और जब उन्होंने इस बारे में पूरा बताया, हालांकि सभी पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग थे वो सभी जो है इस पर हंस रहे थे कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कोई व्यक्ति जो है चूहे मारने की रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन पर लिखवाने आया है। हालांकि उनके साथ काफी देर तक 3 घंटे तक लंबी बातचीत विकेंद्र जो है करते रहे, और उसके बाद जब पुलिस कर्मियों ने अपने एक सीनियर ऑफिसर को कॉल की और जब उन्होंने अनुमति दी, उसके बाद जाके पुलिस वालों ने 3 घंटे तक पहले तो बहस की, और उसके बाद जो है एफआईआर जो है वो दर्ज उन्होंने की। और एफआईआर दर्ज होते ही विकेंद्र जो है चूहे का पोस्टमार्टम कराने की बात भी जो है सामने आई, और पुलिस वाले फिर जो है चकरा गए कि एक चूहे का जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा, मगर विकेंद्र अपनी बात पर डटे रहे, और उन्होंने आखिर थक हार कर 24 नवंबर को देर शाम को कोतवाली पुलिस का एक कांस्टेबल जो है विकेंद्र के साथ मुर्दा चूहे को लेकर बदायूं के पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उस चूहे का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। और उसके बाद डॉक्टरों ने चौंकाने की बात की, चिकित्सालय में मौजूद डॉक्टरों की थी, और उन्हें पूरी कहानी भी जो है डॉक्टर्स को भी बताई गई, और ये कहकर टालना चाहा कि हमारे अस्पताल में रात को पोस्टमार्टम नहीं होता। पर हालांकि विकेंद्र की बात करें तो उसने दलील दी, और उसके बाद अगली सुबह जो है पोस्टमार्टम भी हो गया, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर जो है IVRI पशु चिकित्सालय भी वहां पर भी, लिहाजा जो है डॉक्टरों की चूहे के बारे में नहीं तमाम जानकारी जो है वहां पर भी दी गई। और इस मामले की बात करें तो बताया गया है कि जो एनिमल्स के अंडर जो लॉ आते हैं उसको लेकर जो है अब आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, पर ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला था। पर विकेंद्र की बात करें तो उसकी दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से उसने पूरा मुकदमा दर्ज करवाया, और आगे की अब कार्रवाई हालांकि अभी शुरू नहीं हुई, पर पूरे देश की जो है उनकी निगाहें इसी चार्जशीट पर है कि किस तरह इस मुकदमे को जो है किया जाएगा। हालांकि ये बताया जा रहा है उस व्यक्ति को जरूर जो है गिरफ्तार भी किया था, और आगे जो है वो भी कार्रवाई जो है इस मामले में की जाएगी। और IPC के धारा 429 की बात करें तो तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, और मनोज कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही थाने से वो जमानत भी उसे दे दी गई है। वारदात के 5 दिन बाद मनोज खुद की बदायूं के जिला कोर्ट पहुंचा, और वहां पर सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उसे वक्त उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया है। और इसके बाद जनवरी 2023 में बात करें तो कोतवाली पुलिस ने चूहे के कत्ल के सिलसिले में 30 पत्रों की जो है चार्जशीट दायर की है, और इसमें मुख्य आरोपी मनोज कुमार को जो है बताया गया, और धाराओं के तहत जो है चार्जशीट दर्ज की गई, और बताया जा रहा है कि आगे की कार्रवाई दाखिल हुई, और 3 महीने हो चुके हैं मगर अभी तक ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ है, जबकि दूसरी तरफ तमाम लोगों की निगाहें इस मुकदमे पर हैं और मुकदमे के फैसले पर टिकी हुई, क्योंकि एक चूहे के कत्ल का देश में ये पहला ऐसा मुकदमा है और फैसले का हर किसी को इंतजार है। पर उस व्यक्ति की बात करें जिसने इस पूरी केस में लड़ाई की, वहां तक पहुंचा, FIR दर्ज की, क्योंकि हालांकि देश में बहुत सारे ऐसे एनिमल लवर्स हैं बहुत, पर जो इस तरह के काम करते हैं, और
फिलहाल यही है कि अब देखना होगा कि इस मामले में चूहे को इंसाफ मिलता है और क्या कुछ कार्रवाई जो है इस मामले में की जाएगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, और आप देखते रहें जीके न्यूज़ मंडला।